क्या आपके पास भी एक इलेक्ट्रिक कार है या अपनी नेक्स्ट कार के लिए ईवी कंसिडर कर रहे हैं? पर इलेक्ट्रिक कार का नाम आते ही आती है रेंज एंजाइटी। क्या घर के अलावा मैं अपनी ईवी को रोड ट्रिप पर ले जा पाऊंगा? बाहर चार्जिंग कैसे होगी? क्या किसी और चार्जर से चार्ज करना सेफ है? इसका जवाब है बिल्कुल सेफ है। सर्वोटेक डीसी एंड एसी चार्जर्स ओसीपीपी कॉमन प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। इसका मतलब सभी इंटरनेशनल ब्रांड जैसे टेस्ला, रिवियन जैसे किसी भी ईवी को चार्ज कर सकते हैं। मार्च 2023 तक सर्वोटेक के 1000 से अधिक चार्जर्स देश भर में बीपीसीएल और बाकी फ्यूल रिटेल आउटलेट की साइट्स पर इंस्टॉल्ड हैं और नए चार्जर्स लगातार इंस्टॉल हो रहे हैं जिन्हें आप रियल टाइम में सर्वोटेक ऐप पर लोकेट कर सकते हैं। अब चलिए जानते हैं सर्वोटेक 60 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जर्स 108 किलोवाट आवर की बैटरी पैक वाली मर्सिडीज EQS 580 को कितनी देर में चार्ज करता है। गन कनेक्ट करने के बाद डिस्प्ले पर ग्रीन चार्जिंग बटन पर टैप करें। RFID कार्ड से चार्जिंग एक्टिवेट करने के लिए कार्ड को इस रीडर पर टैप करें और सर्वोटेक चार्जर आपकी कार के BMS यानी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम से कनेक्ट करके चार्जिंग शुरू कर देगा। सिंपल। चार्जिंग ऑन होते ही कंसोल पर आपको इन्फॉर्मेशन आती है कि कितना टाइम लगेगा, कितने किलोवाट पर चार्जिंग हो रही है। चार्जिंग बंद करने के लिए ब्लू सेटल बटन पर टैप करें और फिर से RFID कार्ड को रीडर पर टैप करें और चार्जिंग बंद। उसी तरह से QR कोड से चार्जिंग शुरू करने के लिए आप सर्वोटेक मोबाइल ऐप से भी चार्जिंग एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 60 किलोवाट का चार्जर 57 किलोवाट तक का आउटपुट दे रहा है। रिलेटिवली 120 किलोवाट के DC फास्ट चार्जर का आउटपुट भी सेम रहेगा। इसी तरह से किसी भी लग्जरी हाईटेक लार्ज बैटरी पैक की व्हीकल को चार्ज कर सकता है। सर्वोटेक की गन्स TUV सर्टिफाइड है जिनकी एक्सपेक्टेड लाइफ 10 साल होती है। कनेक्टिविटी के लिए सभी चार्जर्स 4G, LAN और Wi-Fi इनेबल्ड है। ग्रिड से सप्लाई कट हो जाने पर सभी चार्जर्स में 15 मिनट का बैटरी बैकअप है। तो फिर ईवी चलाएं, एनवायरनमेंट और पोल्यूशन दोनों को बचाएं। ऐसे ही ईवी एंड ईवी हैक्स रिलेटेड वीडियोस के लिए सर्वोटेक से जुड़े रहें।